नमस्कार दोस्त। तो भाई अगर आप लोग भी अपने मोबाइल में ट्रूकॉलर ऐप को इंस्टॉल कर रखे हो तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रूकॉलर ऐप की एक ऐसी सेटिंग करने को बताऊंगा जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को अपने मोबाइल में इस सेटिंग को अवश्य करके रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ यार, वो इसलिए क्योंकि आज झमाझम बारिश हो रही है और झमाझम बारिश होने की वजह से बारिश की जो बूंदें नीचे की तरफ पड़ रही है ना, गिर रही है, उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी और उस आवाज़ में मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ा डाउन हो जाएगी। इसलिए यार आप लोग कोऑपरेट करना, हमारी आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनना यार, सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ट्रूकॉलर के जो यूजर हैं, जब मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया और वहां पर देखा कि इसके यूजर कितने हैं, कितने लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है, तो वहां पर मैंने पाया कि 500 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो भाई ये काफी ज्यादा तादाद में इसके यूजर हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप भी ट्रूकॉलर यूजर होंगे, आप भी ट्रूकॉलर ऐप को यूज करते होंगे। और जब अगर आप ट्रूकॉलर ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा होगा तो आप लोग उसके फीचर्स के बारे में जरूर जानते होंगे, उसके फीचर से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं यार कि होता क्या है। मान लीजिए आप अपने मोबाइल में ट्रूकॉलर ऐप को इंस्टॉल कर रखे हो तो आप दूसरे बंदे के बारे में पता लगा सकते हो कि वो बंदा कितना देर पहले कॉल किया था। ठीक है, ये फर्स्ट फीचर हुआ। दूसरा फीचर यह है कि आप अभी किसी से बातें कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ये भी आप पता लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे फीचर की। तीसरा फीचर ये था कि आपका मोबाइल साइलेंट मोड में है या फिर नहीं है, ये भी आप पता लगा सकते हो। तो दोस्त इसमें कई सारे ऐसे फीचर हैं जो काफी ज्यादा फायदेमंद हैं हम लोगों के लिए, लेकिन वही सारे फीचर कभी ना कभी मुझे या तो डांट सुनवा देते हैं या फिर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा देते हैं। अब आप बोलोगे भाई कैसे, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा मोबाइल की स्क्रीन की ओर और वहां पर मैं आपको एक सेटिंग करने को बताऊंगा। देखिए मान लीजिए अभी रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, और आपने अभी किसी से बात कर रहे हो, यानी कि आप किसी से अभी बात कर रहे हो और आपकी जो गर्लफ्रेंड है, देखिए बुरा मत मानना भाई क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, आपकी जो गर्लफ्रेंड है आपको कॉल कर रही है या फिर कॉल नहीं की, उसने ट्रूकॉलर ऐप को इंस्टॉल कर रखा है और उसने ट्रूकॉलर ऐप के जरिए ही आपके बारे में पता लगा लिया कि ये जो बंदा है ना अभी बिजी है या फिर 2 मिनट पहले ही इसने कॉल करके रखा है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए आपने 10 बजे रात को या फिर 11 बजे रात को या फिर कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो और 2 मिनट ही बात करना हुआ, यानी कि 2 मिनट पहले ही आपने कॉल को डिसकनेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि 2 मिनट में तो आप सो नहीं जाओगे। ठीक है, मान लीजिए आप रात में बात कर रहे हो तो 2 मिनट में तो आप सो नहीं जाओगे, और उसी टाइम अगर आप कहीं पर जॉब करते हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी जो बॉस है वो आपको कॉल कर देते हैं, ठीक है, और आपने उस कॉल को डिसकनेक्ट कर दिया, यानी कि कट कर दिया भाई, वो इसलिए कि अब आप सोने वाले हो, अभी तक सोए नहीं हो लेकिन सोने वाले हो, तो होगा क्या, इससे आपकी गर्लफ्रेंड भी नाराज हो सकती है, इससे आपका बॉस भी नाराज हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि उसको पता है कि आपने अभी थोड़ा देर पहले ही किसी से बात किया था 1-2 मिनट पहले ही, और अभी आप तो जगे ही होंगे यार, तो आपने कॉल को डिसकनेक्ट क्यों किया। और कल जब आप बॉस के पास जाओगे, ऑफिस वगैरह जाओगे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओगे ना, तो हो सकता है वो आपको छोड़ देगी, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन हो सकता है वो आपको छोड़ देगी और किसी और के साथ भाग जाएगी। हो सकता है ऑफिस आप जाओ और आपको बॉस बोले कि बाबू या फिर जो भी आपका नाम होगा ABCD, आप निकल जाइए, आपका जगह यहाँ पर नहीं है, यानी कि आपका जो आप जिस स्थान पर काम करते थे अब वो स्थान दूसरे व्यक्ति ने ले लिया है। तो हो सकता है इस कारणवश, यानी कि इस फीचर की वजह से आप लोगों को बहुत कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन दोस्त अब बात आती है कि क्यों ना मैं इस सेटिंग को ही ऑफ कर दूं, ताकि कोई दूसरा जो यूजर है मेरे बारे में पता ही नहीं कर सके कि मैं कितना देर पहले कॉल किया था, मैं अभी कॉल पर बिजी हूं या फिर नहीं हूं, मेरा मोबाइल साइलेंट मोड में है या फिर नहीं है। अगर ये सेटिंग को कर लेता हूं तो कितना अच्छा होगा, कोई मेरे बारे में पता नहीं लगा सकता मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। तो दोस्त आज के इस वीडियो में मैं इसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, और अगर आप इस सेटिंग को कर लेते हो तो भाई आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो दोस्त सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ट्रूकॉलर ऐप को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके शो हो जाएंगे, यानी कि आपके मोबाइल में जितने भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे, और यहाँ पर से आप पता लगा सकते हैं कि आखिर में ये जो पर्सनल बंदा है वो अभी किसी से बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर इसका मोबाइल साइलेंट मोड में है या फिर नहीं है, सारा कुछ आप पता लगा सकते हैं, या फिर इस बंदे ने कितने देर पहले किसी से बात किया था। तो देखिए यहाँ पर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी
कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो बात कर रहा है, अभी सबका आउट गोइंग कॉल, मिस्ड कॉल, रिसीव्ड कॉल, ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन कोई बंदा अगर मान लीजिए अभी बात कर रहा होता तो यहाँ पर आपको कॉल ऑन होल्ड लिखा हुआ मिलता। लेकिन दोस्त अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्राइवेसी कोई ना देख पाए, यानी कि मेरे बारे में कोई पता नहीं लगा पाए कि ये जो बंदा है अभी किसी से बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसका मोबाइल साइलेंट मोड में है या फिर नहीं है, ये सारा कुछ अगर आप चाहते हैं नहीं कोई पता लगा पाए मेरे बारे में, तो इसके लिए आपको एक सेटिंग कर देना है। सेटिंग क्या करना है, तो सबसे पहले आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड के सबसे ऊपर कॉर्नर में, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, आपको क्या करना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको लास्ट से सेकेंड नंबर पर यानी कि अंतिम से दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेसी सेंटर का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसको आपको डिसेबल कर देना है। अगर आपने इसे एक्टिवेट करके रखा है, इनेबल करके रखा है, तो आप इसे डिसेबल कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ नीचे में लिखा हुआ है सो अदर ट्रू कॉलर यूजर डेट आई एम बिजी ड्यूरिंग फोन कॉल्स एंड साइलेंट मोड, यानी कि अगर आप इसे इनेबल करके रखते हो इस ऑप्शन को, तो दूसरा जो ट्रू कॉलर यूजर होगा उसको आपके बारे में पता चल जाएगा कि आप अभी किसी कॉल पर बिजी हो, या फिर आपका मोबाइल साइलेंट मोड में है, या फिर आप कितनी देर पहले किसी से बात कर रहे थे। तो अगर आप इसे ऑफ कर देते हो यानी कि डिसेबल कर देते हो, तो आपके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि ये जो बंदा है कितने देर पहले कॉल किया था, ये अभी किसी से बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसका मोबाइल साइलेंट मोड में है या फिर नहीं है। और भी कई सारे फीचर अगर आपने पेड वर्जन लेकर के रखे हैं तो कई सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे और उनको आपके बारे में पता तक नहीं चलेगा। तो भाई इस सेटिंग को आप लोग अपने ट्रू कॉलर ऐप में अवश्य करके रखना, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो बस आज इतना ही। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिली होगी। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो भाई आप सोच क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना। और अगर आपके माइंड में अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है ना, तो मुझे कार्ड में कह दो यार। अरे कार्ड में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, फटाफट कमेंट कर दो और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर भी कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज यार मान जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल पर जाकर क्लिक करें और वहां पर भी आप अपना प्यार बरसाएं यार, कितना रिक्वेस्ट करवाओगे। मैं उस चैनल का नाम भी बोल देता हूं, सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर। आप वहां पर जाएं, अपना प्यार दिखाएं, आपको यूट्यूब से रिलेटेड काफी ज्यादा जानकारी देखने और सुनने को मिल जाएगी। तो बस आज इतना ही।